हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग है नैनीताल का भी है और घोड़ाखाल मंदिर, और मैं दिखा अभी मैं जो हूँ सात ताल में खड़ा हूँ, तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसा एरिया सात ताल का। ये दोबारा से मेरा ब्लॉग आ रहा है, तो आप सभी को 26 जनवरी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो सुबह तो मैं उसका ब्लॉग नहीं दे पाया जो नैनीताल में परेड हुई है, लेकिन इस टाइम जो मैं एक पार्टी में गया था, रिसेप्शन पार्टी में, तो वहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने वाला हूँ सात ताल। तो चलिए अपने ब्लॉग को कुछ आज यूनिक बनाते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, चलिए आज का ब्लॉग। तो जैसा आप देख रहे हैं, यह है घोड़ाखाल मंदिर। और आज मैं पार्टी में आया था, तो थोड़ा सोचा कि ना हल्की सी एक क्लिप ले ली जाए, ये देख सकते हैं। तो इस जगह को बोलते हैं घोड़ाखाल मंदिर, और घंटियाँ जाते हैं, घंटियाँ जिसकी मान्यता पूरी हो जाती है शायद वो घंटी लगा चढ़ाते हैं। यहाँ हर जगह आपको घंटियाँ घंटियाँ मिलेंगी, ये देख सकते हो। ओम जय 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 चंद्रमा। तो जैसा आप देख रहे हैं, इस टाइम मैं पहुंच गया हूँ सात ताल, और सात ताल में शाम का वक्त है, लेकिन पर्यटक बिल्कुल भी नहीं है। तो इस जगह को पहले भी मैंने व्लॉग बना रखा, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरी क्लिप होगी, ज्वाइन क्लिप होगी, तो ये देख सकता है। ये है सात ताल की लेक, और यह कायाकिंग भी चलती हैं। तो इसी जगह को बोलते हैं सात ताल। एक लेक ये है, और एक लेक इधर है, और सामने कायाकिंग है, और सामने है कायाकिंग, जो कायाकिंग चलाते हैं, तो इसमें तरीके से चलाते हैं। तो इसी जगह को बोलते हैं सात ताल लेक, जो टूरिस्ट आते हैं। ये पुल है, इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। फुल व्लॉग देखना तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। तो फिलहाल ये है सात ताल की लेक, और शाम का वक्त है। ये जिप लाइन भी होती है यहाँ पे, उधर सारी शॉप उधर ही हैं। और ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। तो यह लेक उधर से दिखाई थी मैंने, अभी इधर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके से नज़ारा है ये सात ताल का। सुनसानी हो गई है शाम के वक्त में यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। तो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इसका कार्य कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है। तो यहीं से है लेक, और लेक की जो ये बोर्डिंग देख रहे हैं किस तरीके से, इसमें काई जम चुकी है ये। तो फिलहाल कुछ ऐसा नज़ारा है सात ताल का, लेक का इधर की तरफ का। और आप देख सकते हैं इस टाइम मैं आ गया हूँ तल्लीताल, और तल्लीताल रोडवे स्टेशन के पास ही हूँ मैं, लेकिन यहाँ से जो रात का नज़ारा अलग ही देखने को मिलता है, और अपने नैनीताल की बात ही अलग है। अगर नैनीताल में आके तो इतनी रौनक, इतनी चहल पहल, और ऐसा व्यू जैसा भी आपने सात ताल देखा, तो वहाँ सुनसानी नहीं। नैनीताल में भीड़ भाड़ रहती है, और लोगों से, पर्यटकों से नैनीताल गुलजार रहता है। तो आप सामने देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है नैनीताल की, नैनीताल की लेक, और ये लाइटिंग जो घर की लाइट दिखती है। तो यह रात का नज़ारा ये देख सकते हैं आप। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये रात का, नाइट का नज़ारा, और मैं उस टाइम रोडवे स्टेशन के पास ही, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से कुछ अल्टीमेट ही व्यू देखने को मिलता है। और स्नोफॉल की बात करें तो अभी तो फिलहाल कोई भी स्नोफॉल नहीं है नैनीताल में। परसों बारिश हुई थी, रात को ओले पड़े थे, बारिश हुई थी, तो उसके बाद में सोचा स्नोफॉल हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। और उसके बाद धूप आ गई, आज भी धूप थी, और मौसम इस टाइम क्लियर है, बादल बिल्कुल भी नहीं है। तो आज देखते हैं कि फरवरी में स्नोफॉल होती है या नहीं होती है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से नज़ारा नाइट का। Thank you.
और यहाँ मिलते हैं सोनम के मोमो। अक्सर यहाँ पे भीड़ लगी रहती है जैसा आप देख रहे हैं, तो यहाँ के मोमो काफ़ी फेमस है, सोनम के मोमो। और ये बोटिया मार्केट में ही है शॉप, ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ के मोमो काफ़ी फेमस है, सोनम के मोमो। काफ़ी क्राउड, काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, देख रहे हैं आप। सब मोमो ही खा रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकता तो देख सकते हैं, ऐसी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे सोनम के मोमो के लिए। और यहाँ से मिलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लिया। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसाना लेने तल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।